रहीम, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। इससे पहले हमने देखा था डिटेल से प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंसेक्ट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह होता है, क्योंकि इंसेक्ट्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है बहुत सारी चीज़ें उसको क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा होता है, ह्यूमिडिटी इफेक्ट कर रही होती है, और खुराक की जो मकदार होती है वो भी क्या कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है। तो मतलब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है थोड़ा क्या है, कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू एक्वाटिक एनवायरनमेंट। तो हमने उसको डिटेल से देखा था रिप्रोडक्शन को। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इंसेक्ट्स की जो लार्वा स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टार बोलते हैं। लार्वा जो स्टेज होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर उसे क्या बोला जाता है, इंस्टार। ठीक है ना, तो ये जो इंस्टार है, ठीक है ना, इसके अंदर फिर क्या तब्दीलियां आती हैं, ये जो इंस्टार है फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट के अंदर। तो इंस्टार के अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंस्टार। तो इंस्टार के अंदर क्या, इंस्टार के अंदर क्या एनर्जी स्टोर होती है, उसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, और इंस्टार किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या करने के लिए क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन व्हिच द लार्वा ऑफ इंसेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू द एडल्ट, ठीक है ना। सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजी के अंदर क्या चेंजेस आ रही होती हैं, और लार्वा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस की क्या है, मुख्तलिफ टाइप्स है, मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर हम क्या करते हैं उनको क्लासिफाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली जो है वो है ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना, नंबर वन है वो कौन सी है, ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। ए का मतलब क्या होता है, विद आउट। ए का मतलब क्या होता है, विद आउट, और मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, तब्दील। विद आउट चेंज, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, विद आउट चेंज मतलब क्या है, इसके अंदर जो क्या होंगे ऐसे इंसेक्ट्स जिनके अंदर लार्वी और इंसेक्ट्स के जो क्या होता है एडल्ट स्टेज होते हैं बहुत से ज्यादा कम चेंजेस होते हैं, उनका अंदर जो प्राइमरी डिफरेंस होता है क्या होता है, प्राइमरी डिफरेंस की अगर बात करें, प्राइमरी डिफरेंस है ना, ये जो प्राइमरी डिफरेंस हम जिनके अंदर देखते हैं एडल्ट और लार्वी के अंदर, एडल्ट प्लस लार्वी, प्राइमरी डिफरेंस देखें तो किस चीज का डिफरेंस होता है, साइज का और सेक्सुअल मैच्योरिटी का। ये ना, एक तो उनका साइज क्या होता है दूसरे से डिफरेंट होता है, दूसरा वो सेक्सुअली जो मैच्योरिटी होती है वो भी क्या होती है, दूसरे से डिफरेंट होता है, बाकी दोनों ये क्या होता है, अदरवाइज बोथ आर सेम। वैसे क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बोथ आर विंगलेस, बोथ आर विंगलेस। ठीक है, दोनों के अंदर क्या नहीं होती, विंग्स नहीं होते, ठीक है, चाहे वो लार्वा स्टेज हो चाहे एडल्ट स्टेज हो, दोनों के अंदर क्या होता है, विंग्स नहीं होते। विंग्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसलिए दोनों को क्या कहा जाता है, विंगलेस कहा जाता है। और नंबर ऑफ जो मोड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है ना, उनकी लाइफ है उसके साथ साथ क्या बोलने का प्रोसेस भी रहता है, जिसमें की वजह से लार्वा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके अंदर क्या आ जाएगी, सेक्सुअल मेजोरिटी भी आ जाएगी, और वो बॉडी साइज को भी क्या कर लेगा, अटेन आ जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इनकी जो एग्जांपल है वो क्या है, सिल्वर फिश है। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इनकी क्या है, सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश भी इंसेक्ट्स होती हैं, ठीक है, तो ये क्या है, जिनके अंदर क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है, ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस,
जिसके अंदर क्या लिटरल चेंजेस आती हैं, सिर्फ क्या फर्क होता है, पिरामिड जो डिफरेंस होता है, साइज का डिफरेंस होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी का, तो मोल्टिंग के बाद वो साइज भी एडल्ट की तरह अटेन कर लेता है, उसके अंदर क्या आ जाती है सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आ जाती है। अदरवाइज ये दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं उनके लार्वा एडल्ट स्टेजेस। जो इस तरह की जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसे क्या बोलते हैं, ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट जो है वो है पारो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। नंबर टू जो है वो है पारो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, पारो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। अभी जो पारो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस लफ्ज निकला है पारो से, ठीक है ना, पारो का मतलब क्या होता है समाल, पारो का मतलब क्या होता है समाल, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या आते हैं स्मॉल चेंजेस आती हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ जो मोल्ड होती है क्या होती है स्पीशी स्पेसिफिक होती है, नंबर ऑफ मोल्ड क्या होती है स्पीशी स्पेसिफिक। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है मोल्टिंग का प्रोसेस कहां से होता है, एग से होता है, ठीक है ना, एग से क्या बनेगा लार्वी बनेगा, लार्वी के अंदर क्या आएगी मोल्ड दोबारा होगी, ठीक है ना, क्या होगी मोल्टिंग का प्रोसेस होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट के अंदर क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इनके लार्वी और एडल्ट के अंदर फर्क देखें तो इनका जो लार्वी होता है उसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है, इनका जो लार्वी होता है ये क्या होता है विंगलेस होता है, इनका लार्वी क्या होता है विंगलेस, या इनका लार्वी क्या होता है विंगलेस होता है, और सेक्स और इनका बॉडी साइज क्या होता है हैव स्मॉल बॉडी साइज, हैव स्मॉल बॉडी साइज, बॉडी साइज भी क्या होगा स्मॉल होगा। इसके अलावा अगर बात करें हम नॉट मैच्योर सेक्सुअली, नॉट मैच्योर सेक्सुअली, सेक्सुअली तौर पर भी ये क्या होगा इमेच्योर होगा, और इसके अंदर क्या होता है जेनिटल डेवलपमेंट भी नहीं होती, नो जेनिटल डेवलपमेंट, नो जेनिटल डेवलपमेंट। यानी ये क्या है डिफरेंस है, और इनके लार्वा को क्या कहा जाता है निम्फ कहा जाता है, नोन एज निम्फ, नोन एज निम्फ। ठीक है, इनका जो लार्वा उसे क्या बोलते हैं निम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है इनका लार्वा होता है, और ये प्राइमरी जो डिफरेंस है लार्वा और एडल्ट के अंदर वो क्या होता है लार्वा इनका विंगलेस होता है, इनका बॉडी साइज क्या होता है स्मॉल होता है, मैच्योर नहीं होता सेक्सुअल तौर पर, जेनिटल डेवलपमेंट भी नहीं होती इसके अंदर कंप्लीट, तो इसे क्या कहते हैं इनके लार्वा को निम्फ कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होगा, मोल्टिंग होगी, तो क्या होगा लार्वा क्या हो जाएगा उसके अंदर क्या होगी एक्सटर्नल वेंग्स की क्या होती है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस उसके अंदर क्या होगी एक्सटर्नल विंग्स क्या हो जाएंगे डिवेलप हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे एक्सटर्नल विंग्स। ये एक्सटर्नल विंग्स बनना शुरू हो जाएंगे, बॉडी साइज क्या हो जाएगा अटेन हो जाएगा, मैच्योर हो जाएंगे सेक्सुअल तौर पर क्या हो जाएंगे मैच्योर, उसके अलावा जेनिटल डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी, जेनिटल डेवलपमेंट भी क्या हो जाती है इनके अंदर स्टार्ट हो जाती है जब क्या होता है मोल्टिंग का प्रोसेस होता है, तो उसके बाद निम्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट के अंदर क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। और इनके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं ग्रास हॉपर, किसके अंदर पाए जाते हैं ग्रास हॉपर, इसके साथ साथ चिंच बग, चिंच बग, ठीक है ना। ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है पारो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर पाई जाती है ग्रास हॉपर के अंदर होती है, और किसके अंदर मौजूद होती है चिंच बग के अंदर क्या होती है मौजूद होती है। दोबारा देखें कि इसके अंदर क्या होता है स्मॉल क्या होती है चेंजेस आती है इनकी, जो लार्वा और एडल्ट साइज होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है ना। और ये जो मोल्टिंग का प्रोसेस होता है स्पीशी स्पेसिफिक होता है, एग से लेकर एडल्ट के अंदर कन्वर्जन तक क्या होता है मोल्टिंग का प्रोसेस रहता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है अगर लार्वा की बात करें तो इनका लार्वा क्या होता है एडल्ट से डिफरेंट होता है, लार्वा विंगलेस होता है, उसका बॉडी से स्मॉल होता है, मैच्योर नहीं होता सेक्सुअल तौर पर, जेनिटल डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, उसके लार्वा को क्या बोला जाता है निम्फ बोला जाता है। जब मोल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो एक्सटर्नल विंग्स डेवलप हो जाएंगे, बॉडी साइज एडल्ट की तरह अटेन हो जाएगा, और ये सेक्सुअल लेवल मैच्योर हो जाएगा, इसके साथ साथ जेनिटल डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट के अंदर।
इसके हम एग्जांपल देखें तो क्या एग्जांपल है इसकी, ग्रास हॉपर और चिंच बग क्या है इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें तो वो होती है हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट जो है वो कौन सी होगी, हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस नंबर थ्री। नंबर थ्री जो है वो कौन सी है, हैमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। अब हैमी का मतलब क्या होता है, हाफ। हैमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है, इनके लार्वी के अंदर और किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। और इसका जो लार्वी होता है कंप्लीटली तौर पर क्या होता है, डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द एडल्ट, ठीक है। और इसके लार्वी का हैबिटेट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द एडल्ट हैबिटेट, ठीक है। तो इनका जो लार्वी होता है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, इनका जो लार्वी होता है, लार्वा होता है या लार्वी होता है, कहां पर रहता है, इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर। कहां पर पाया जाता है, फाउंड इन द इक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, गिल्स मौजूद होते हैं। और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, गिल्स मौजूद होते हैं। और इनके लार्वी को क्या कहा जाता है, नाइएड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोन एज नाइएड्स, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, नाइएड्स कहा जाता है। उसके बाद क्या होती है, मोल्टिंग होती है, तो क्या होगा, ये इसके अंदर गिल्स क्या हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। और इसे क्या बोलते हैं, इसकी अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या है इनकी एग्जाम्पल, कॉकरोचेस, कॉकरोच जो है उसके अंदर क्या पाई जाती है, हैमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मोल्टिंग होगी, ठीक है, इसका लार्वा क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, गिल्स पाए जाते हैं, क्या कहा जाता है, नाइएड्स कहा जाता है। उसके बाद क्या होगी, मोल्टिंग का प्रोसेस होगा, तो ये एक्वाटिक से किसमें एनवायरनमेंट के बॉडी से अटेन करेंगे तो क्या यहाँ पर आ जाएंगे, तो टेस्टिस एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं। और गिल्स क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, ट्रैकिया के साथ क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। और इनके जो एडल्ट होते हैं क्या कहते हैं, कॉकरोचेस के अंदर ही क्या होता है, ये प्रोसेस मौजूद होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस नंबर फोर जो है, होलो मेटाबोलस बोलस मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो हालो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। हालो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। इसका नाम क्या है, कंप्लीटली तौर पर ये लार्वी उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट होता है एडल्ट से। तो इसके अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ स्टेजेस पाई जाती है। नंबर वन जो है वो क्या होता है, इसके अंदर लार्वा मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, लार्वल स्टेज। ठीक है, तो इसका इंस्टार पहले किसमें कन्वर्ट होगा, लार्वी के अंदर। इंस्टार के अंदर क्या होती है, मोल्ट होगी, ठीक है ना, मोल्टिंग का प्रोसेस होगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लार्वी के अंदर, ठीक है ना। ये जो लार्वी होगा इसका हैबिटेट क्या होगा, डिफरेंट होगा, हैव डिफरेंट हैबिटेट, हैव डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेज के अंदर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर दूसरी स्टेज की बात करें तो दूसरी स्टेज ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर प्यूपा के अंदर। किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्यूपा के अंदर, ठीक है। लार्वी जो होंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्वी के अंदर मोल्टिंग होगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्यूपा के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद प्यूपा क्या होते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोकॉन के अंदर। प्यूपा इनक्लोज हो जाते हैं, ठीक है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं, कोकॉन, ठीक है। लार्वी के अंदर मोल्टिंग होगी, ये किसमें कन्वर्ट होंगे, प्यूपा के अंदर। प्यूपा के अंदर दोबारा मोल्टिंग होती है और ये क्या हो जाता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोकॉन बोलते हैं। इनके अंदर जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है वो कौन सा पाया जाता है, एक्सटर्नल जो स्केलेटन है उसे क्या बोलते हैं, क्राइसेलिस, या उसे क्या बोलते हैं, प्यूपेरियम भी बोलते हैं। क्राइसेलिस और प्यूपेरियम जो है एक्सटर्नल स्केलेटन है, ये थ्रू आउट द प्यूपा स्टेज भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। तो क्राइसेलिस भी मौजूद होंगे, क्या होंगे, प्यूपेरियम भी क्या होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं।
जो आखिरी जो स्टेज होती है ठीक है उसे क्या बोलते हैं, एडल्ट स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडल्ट स्टेज। ठीक है, एडल्ट जो होगा मैंडिबल के जरिए कम आउट विद द हेल्प ऑफ मैंडिबल। तेरा मैंडिबल के जरिए क्या होता है, अपने जो क्या होता है कान होता है उससे क्या होता है बाहर की तरफ निकल कर आता है एडल्ट जो होता है। ठीक है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्लुजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्लुजन। ठीक है, मैंडिबल के जरिए एडल्ट स्टेज का कान से बाहर आना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्लुजन कहा जाता है। तो हालोमेटाबोलस जो है क्या थी? लास्ट स्टेज थी मेटामॉर्फोसिस की। तो आज हमने डिटेल से देखा है डेवलपमेंट का प्रोसेस इंसेक्ट्स के अंदर। इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो डेवलपमेंट के अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस मौजूद होता है। मेटामॉर्फोसिस की फोर टाइप्स आने पड़ी है। ठीक है ना, ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, पारो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, और इसके साथ साथ हमने क्या देखा है? हॉलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, ये जो हॉलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस है इसकी एग्जांपल क्या होती है? हाउस फ्लाई। इसकी एग्जांपल हम क्या देखते हैं? हाउस फ्लाई क्या है इसकी एग्जाम्पल है। इसके अंदर ये सारा प्रोसेस क्या होता है जो हालो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस है किसके अंदर पाई जाती है? हाउस फ्लाई के अंदर। आई होप कि आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप फीडबैक दे सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।